जया विशारा सामली बारी दो तली शंकर जी की पांच लड़कियां, ऊपर से जो पानी गिर रहा है, बीच में जहां से ये जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है, ये मोटी लाइन शंकर जी की छठे नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये बीच में शंकर जी का संपूर्ण परिवार उस शिवलिंग के पास में होता है। जिस दिन आप पशुपति व्रत करें उस दिन चंदन ये दोनों चरण चरणारविंद में लगाएं और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशोक सुंदरी की वहां चढ़ाएं और भगवान शंकर से विनती कर कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस सजाएं। पांच पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करें और उसके बाद में पांचवे व्रत के दिन एक श्री फल पर मोली लपेट कर अपनी कामना कर कर 108 बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दें और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल वगैरह नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दें, शाम को व्रत तोड़ लें। पांच व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है, शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो उसकी नौकरी नहीं लग रही हो या पास नहीं हो रहा हो अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो एग्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत अगर एक व्रत भी वो पशुपतिनाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठा कर लियाता है एग्जाम देने के एक दिन पहले वो शहद खा लेता है तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है कभी जिंदगी में फेल नहीं होता जो एग्जाम में बैठेगा उसमें अव्वल निकल जाए। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण है, साधारण व्रत नहीं है पशुपति, शंकर भगवान ने पशुपति रूप धारण किया।